जिसको चाची कह रहा है बिहार में, उन चाची को माँ का दर्जा दिया गया है। चाची की बाची जिनको बोल रहा है, उस चाची की बेटी को बहन का दर्जा दिया गया है। खेसारी लाल यादव के सपना में बहन आती है। सभी चाची को गाली देने का काम किया है, रिश्ता को तार तार कर दिया। जो भी अब बिहार में अश्लील गाना गाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे घटिया कलाकार खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव को सबसे घटिया कलाकार हमने इसलिए कहा क्योंकि वो रिश्ता को तार तार कर दिया। उसने एक गाना गाया जिसका नाम है चाची की बाची सपनमा में आती है। अब जिसको चाची कह रहा है बिहार में, उन चाची को माँ का दर्जा दिया गया है। और जो चाची की बाची जिनको बोल रहा है, उस चाची की बेटी को बहन का दर्जा दिया गया है। यानी कि खेसारी लाल यादव के सपना में बहन आती है। हमारा संस्कार, हमारा कल्चर ये नहीं है। हमारा संस्कार, हम चाची को माँ का दर्जा देते हैं और चाची की बेटी को बहन का दर्जा देते हैं। रक्षाबंधन में वो हमारी कलाई पे राखी बांधती है और हम उसे ढेर सारा प्यार देते हैं और उसकी रक्षा करने का वादा देते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने रिश्ता को तार तार करते हुए गाना गाया चाची की बाची सपनमा में आती है। खेसारी लाल यादव ने सभी चाची को गाली देने का काम किया है, सभी बहन को गाली देने का काम किया है। और खास करके हम बता दें, जो खेसारी लाल का फैन है, क्या बोलते हो तुम खेसारी को, खेसारी भैया, तो उससे पूछो कि तुम्हारी माँ उसको चाची लगती है। अब किसकी बहन उसके सपना में आती है, इसका जवाब तो खेसारी लाल यादव ही देगा। खेसारी दूसरे के माँ बहन के नाम लेकर गाना गा सकता है, सानिया मिर्जा के नथुनिया पे गाना गा सकता है। सानिया मिर्जा का नाम से देश का सीना चौड़ा हो जाता है और खेसारी लाल का नाम लेने से बिहार का सिर झुक जाता है। सानिया मिर्जा के औकात में तुम्हारी रत्ती भर औकात नहीं है। सानिया मिर्जा भी चाहती तो तुमको घर से उठवा सकती थी, लेकिन उसने कानून का सहारा लिया, कानून को हाथ में नहीं लिया। और तुम जब तुम्हारा काउंटर गाना गाया, तुमको जवाब देने के लिए गाना गाया, तो तुम उसको अपहरण करके अपने गुंडा से पिटवाते हो। हम बता देना चाहते हैं, तुमने कई लड़कियों का नाम लेकर तुमने गाना गाया, तुम्हारी वजह से कितनी लड़की शर्मिंदगी का सामना करती है तुमको अंदाजा नहीं होगा। और आज जब तुम्हारे फैमिली पे आई तो तुम पूरे पत्रकार को धमका रहे हो, तुम पूरे पत्रकार को कह रहे हो कि हम देख लेंगे, हम तुम्हारा चैनल बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हारा खानदान बर्बाद कर देंगे। खेसारी, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, तुम लड़ नहीं पाओगे, नोटिस का बारिश होगा तुम्हारे घर पे और तुम कोर्ट कचहरी करते करते थक जाओगे। तुम्हारी औकात नहीं है पत्रकारों से लड़ने की, क्योंकि हमारा खानदान बहुत बड़ा है, सब कुछ जानते हैं हम तुम्हारे बारे में। तुम छोटे कलाकारों का गाना चोरी करते हो और उसके यूट्यूब चैनल पर रिपोर्ट करके उसका चैनल बंद करवा देते हो और वही गाना फिर तुम गाते हो। हम बता देना चाहते हैं, जो भी छोटा कलाकार है, अगर तुमको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो तुम हमसे संपर्क करो, हम तुमको प्लेटफॉर्म देंगे। लेकिन एक ही शर्त है, अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट बढ़िया है, तुम्हारे पास अच्छा गाना है, तो हम तुमको प्लेटफॉर्म देंगे, तुम हमसे संपर्क करो। एक बात और बता देना चाहते हैं, जो भी अब बिहार में अश्लील गाना गाएगा उसके खिलाफ मुहिम चलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और जो भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, मेरे नीचे मेरा मेल आईडी लिखा हुआ है, आप हमारे मेल आईडी पे अपना एक विरोध दर्ज कर सकते हैं, आप एक वीडियो बनाएं और हमें मेल करें, हम उन लोगों को आईना दिखाना चाहते हैं। लेकिन आप सभी का सहयोग जरूरी है, क्योंकि ये समाज आपका भी है, ये बिहार आपका भी है। अब वक्त आ गया है इन लोगों को सबक सिखाने की, बहुत हो गई। ये सानिया मिर्जा के नाम लेकर गाना गाए, ये रिंकिया के नाम लेकर गाना गाए, ये लुलिया के नाम लेकर गाना गाए, और जब इसकी बेटी को लेकर जब गाना गा दिया, वो भी इसको सबक सिखाने के लिए कि कैसा महसूस हो रहा है, तुम भी एक बेटी का बाप हो,
तुमको एहसास दिलाने के लिए वो लड़का ये गाना गाया था और वो बोल भी रहा है। तो तुमको सबक सिखाने के लिए तुम्हारी बेटी का नाम लेकर वो गाना गाया। वो अपनी गलती भी मान रहा है, वो बोल रहा है कि हमने गलती किया है, हमें सजा मिलनी चाहिए। अगर तुमको सजा देना था तुम भी उस पर मुकदमा करता, तुम भी उस पर केस करता, लेकिन तुमने कानून को हाथ में लेते हुए गुंडागर्दी किए हो, पत्रकार को धमकाए हो, पत्रकार को बोले हो हम पूरा खानदान को देख लेंगे, कौन सा सर्टिफिकेट तुमको मिल गया है थोड़ा हमें भी दिखाना और हमें भी बताना। ऐसा अगर हो जाएगा तो लोग पत्रकारिता करेगा ही नहीं, तुम अनपढ़ हो, अनपढ़ जैसा बात करते हो। अगर नीतीश कुमार कह दे कि हम भी एक सर्टिफिकेट लेके आए हैं, मेरा नाम कोई यूज किया कोई पत्रकार, मेरा फोटो कोई यूज किया कोई पत्रकार, तो हम उस पर मुकदमा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि हमारा कोई नाम यूज करेगा पत्रकार, हमारा कोई फोटो यूज करेगा कोई पत्रकार, तो हम उस पर मुकदमा करेंगे। चौथा स्तंभ है ये, तुम नहीं रोक सकते हो। अगर पत्रकार गलत किया है, गलत बोल रहा है, तो पर्सनली तुम उस पर मुकदमा कर सकते हो, लेकिन सभी पत्रकार को तुम नहीं धमका सकते हो, यह गलत है। और तुम जैसे घटिया कलाकार को सबक सिखाना अब जरूरी है। अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि हमारा बिहार एक अच्छा बिहार बने, हमारा भोजपुरी एक अच्छा भोजपुरी समाज बने, तो आप अपना वीडियो बनाकर हमें हमारी मेल पे सेंड करें, हम आपका वीडियो अपने चैनल के माध्यम से चलाएंगे और लोगों को दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। हम सभी बिहारी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग इस मुहिम में शामिल होकर अपना एक वीडियो बनाएं और हमारे मेल आईडी पे अपना वीडियो सेंड करें। आप जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, आप अपने वीडियो के माध्यम से बोल सकते हैं। आप एक वीडियो बनाएं और हमें सेंड करें। बाकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाने वाली गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस है। बिना सब्सक्राइब का बटन दबाए, बेल का बटन दबाए, इसमें सफर करना दंडनीय अपराध है।